से तू लाया था। मैडम जी, हमने कुछ नहीं किया है। अरे ये जो कुछ भी किया है ना, ये पापा ली ने करवाया है। बाल में क्या ही है, मुझे जाने दीजिए। चाऊ चाऊ चिंग चिंग, चिली पनीर बासी है, मुझे आ रही उबासी है। कर ली, कर ली। चुप! करोड़ों की दवा चाइना से मंगवाई है। जवान हो ये, लोगों को किडनैप करें हम, सजा पाए हम। मैडम जी, हम सरकारी गवाह बन जाएंगे, क्षमा कर दो। ना ना, माफी आप ही कुछ ना मिलेगी। और सरकारी गवाह ना, बल्कि सरकारी मेहमान बना के लेके जाऊंगी तुम दोनों को मैं जेल। वेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इसदा, अब तुम जाओगे जेल इसदा। हाँ मैडम, ये देखिए, ये रहे शर्मिली जी के हस्बैंड, हमने इन्हें ढूंढ लिया। वेरी गुड भाई, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इब जरा दोनों ने अरेस्ट करो, इनका मंचूरियन तो मैं बनाऊंगी लाख कप में। और तू भाई, वेरी गुड, तू मिल गया। थारी बीबी थारी राह में जो है पलके बिछा के ना, बल्कि खिचड़ी बिछा के इंतजार कर रही है, और वो भी घनी सारी कुकर भर के उसने खिचड़ी बनाई थारे लिए। मैडम, लेकिन अब तो मुझे चाइनीज खाने की आदत पड़ गई है। क्या? तो सबसे पहले तू चाटा खा। कितने पैसे चाहिए? पांच हजार। गिन क्या रहा है, भाग ऐसे। भैया, आपको चलते नहीं आता है क्या? ये तरीका होता है चलने का? अभी मेरे मुंह पे चोट लग जाती तो, अभी तो मेरी कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। मिल्लू, तुम मुझे कहीं छुपा लो, वो आ रहा है वसूली पठान इसदा, वो ले लेगा मेरी जान इसदा। भैया, आप उधार लेते क्यों हैं जब चुका नहीं पाते हैं तो? वेल, अखचे गोपी के बच्ची, तुम कहाँ होते? ये क्या है? ए गोपी के बच्ची, उठ, हमने तुमको देख लिया। हम होता वसूली, जो हमारा पैसा नहीं देता हम उसको काट देता जैसे गाजर और मूली। क्या जी, बस एक दो दिन की बात है जी, मिलने वाली है मुझे सैलरी इज्दा, हसीना है अगर बरामदा है तो मैं हूँ गैलरी इज्दा। ए गोपी, हम तुम्हारा कुछ नहीं सुनती, हमको पैसा मांगती। अगर तुम हमारा पैसा नहीं देता तो हम तोड़ देता हड्डी पसली, वो भी तुम्हारा असली। समझा यार इसको। ओके ओके भैया, ओके। देखिए पठान साहब, पहली बात तो ये कि आपको भैया जैसे काइया, मुफ्तखोर और एहसान फरामोश आदमी को पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। ये तू समझा रहा है? मैं कर लूं। कर लो। और वैसे भी भैया जो कह रहे हैं ना पठान साहब, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल इनकी सैलरी आ जाएगी, सारे पैसे इनके अकाउंट में आ जाएंगे और ये आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ पठान साहब, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं। और फिर भी मतलब आप आइए मेरे साथ। अगर मान लो कल को कोई बात हो जाए, कोई भी ऐसी बात हो सकती है, अगर आपको आपके पैसे ना मिले तो ये तेल पिलाया हुआ मोटा डंडा मैंने रखा हुआ है, आप आ जाना और इससे भैया को मारना खूब। तेल पिलाई तो? अगर हमको पैसा नहीं मिलती तो कल होती ये डंडा और तुम, समझे? ठीक है भैया, देखा मैंने आपको बचा लिया ना। चलो भैया चलो, अब काम करो,
बहुत आपकी टाइम की बर्बादी होती है इन सब चीजों में, उधार पैसे ले लिया और ये कर लिया वो कर लिया। मैडम आने वाली है अभी दो बाइक पे बैठ के। हेलो, नहीं यहाँ कोई गोपी नहीं। मैं सामने खड़ा हूँ तुम्हारे यार। ओ सॉरी भैया, मैं एकदम याद ही नहीं रहा। साइन कर। ये क्या आयो? साइन कर देना जी। इतने? हाँ। अरे यार बाद में यार। चिटपुड़ियागंज की फाइल कहाँ है? कलम कहाँ है सारे? एक मिनट जी। क्या यार? चलो। हाय। अबे यहाँ जो कलम दाननी पड़ी थी जिसमें घुसे हुए थे कई सारे कलम, वो कहाँ है? वो मैं ले गया था जी घर। क्यों जी? छोटे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ ठाणे से जो है सप्लाई होंगी चीजें? अपना अपना होता जी, पढ़ रहा है लेकिन वो पढ़ लेगा जी अच्छे से। कौन आज तक पढ़ लिखा है थारे घर में खानदान में और अच्छा बना है जो ई बागे की जनरेशन बनेगी ना? भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो अच्छा जी, बहुत किस्मत वाला होगा अगर मेरे जैसा मतलब इंटेलिजेंट बनेगा। चोर है तू है जी? कलम चुरा लिया तो चोरी होगा ना? नहीं जी, चोरी नहीं है जी, तो एक पढ़ लीजिए बच्चा पढ़ लेगा, इसमें चोरी क्या, चोरी थोड़ी होती कहते हैं इसको जी। हाथ पे गुंदवा दे बेटे के कि हमारा बाप चोर है। ले आऊंगा जी फिर मैं, कल वापस दे दूंगा लाके यहाँ अगर इतनी। आठ थे? आठ ला दियो कलम। नहीं जी, छह थे। हाय हाय, छह ही ले आऊंगा, पूरे छह ले आऊंगा, दो और भी खरीद के ले आऊंगा। चोर। आये, आये। अरे मैडम मुझे बचाइए। क्यों क्यों बचाए तेने? तू पेट्रोल हो रहा कि पेड़ हो रहा तू, जो तेने जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बचा ले। जाली मसीना क्यों तोड़ रही से? क्या करा इसने? इसने तुम्हें आंख मार दिया। मार दी सिटी इज द आई लाइक काजोल कैटरीना एंड प्रीटी इज द सॉरी। मैडम मुझे आज मत रोकना और मैं आज रुकने वाली नहीं हूँ। क्यों, कौन है तू? शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस जो कतई रुकेगी नहीं? मैडम मैं रसीली हूँ। अच्छा जी, मेरा नाम है रसीली रस्तोगी। वो मुझे भूल गया। कौन, अड़ोसी या पड़ोसी? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा नाम है राकेश रस्तोगी, डार्लिंग डायनासोर है, और मेरी बीवी, इसको ये शक है कि मेरा किसी दूसरी लड़की के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है और मैं उसके ऊपर पैसे लुटा रहा हूँ। डार्लिंग डायनासोर है। शक नहीं मैडम, शक नहीं, मुझे यकीन है। इनसे पूछो कि वो अकाउंट का सारा पैसा कहाँ गायब हो गया। किस पे लुटा दिए सारे पैसे? अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने किसी पे पैसे नहीं लुटाए। कल मैं एटीएम गया था, मैंने 5,000 रुपए निकाले, उस समय तो सारे पैसे थे मेरे अकाउंट में। उसके बाद पता नहीं किसने कब पैसे निकाल लिए। डार्लिंग डायनासोर है। वैसे एक कुछ अजीब सी बात जरूर हुई थी कल एटीएम में। कितने पैसे चाहिए? 5,000। अबे बावड़ी पूंछ, जब जो है हाथ निकल गया एटीएम में से तो फिर ऑब्वियस बात है ना कि भाई कोई लुटेरा था वहां और लुट गया होगा एटीएम। हेलो हेलो,
हेलो। लो भैया लुट गया एटीएम। There is nothing to laugh about. मैडम आप उस लुटे हुए एटीएम को देखें? क्या लगा आपको उसे देख के कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, किस तरह से उस कांड को अंजाम दिया गया होगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे, ये सब पूरी आईजी लग रहा है तू कि कमिश्नर हो रहा जो मैं तेने दूं कतई डिटेल्ड रिपोर्ट। और यो तू न्यूज चैनल ज्वाइन कर लेना, जब इतनी जो है बातें फूट रही मुंह से, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल इंटरोगेशन। अरे साइन क्यों, मैं क्यों साइन करूं, जब देखो साइन कर, मैं क्लर्क हूं मैं यहाँ पे। डर बैठ गया हमारे कलेजे में चौकी आने का कि यो आदमी न जाने कहां साइन करा ले हमारे से, कि जब देखो साइन साइन साइन, न जाने कौन सी हमारी जमीन हरियाणा की अपने नाम करवा रहे हो। साइन 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 ना करूंगी दोबारा मैं। वेल मॉम कब आएगी हमारी तनख्वाह इज्दा, बच्चा पैदा होने के बाद रोता है कुआं कुआं इज्दा। भाई आपको कोई जानकारी है क्या हो रहा है आसपास? या सिर्फ इतना सेल्फ में ही इन्वॉल्व? एटीएम लुट गया और लुटेरे पकड़ में ना आ रहे, हलचल मची से पूरे शहर में। इस आदमी को बिल्कुल पगार सैलरी कब आएगी, बस इसके कंफर्ट लेवल में जरा ना आ जाए आंच। कैसा फेस है यार, और क्या लगा रखा तुमने है, कैसी ड्यूटी बजा रहा है तू, कहाँ ध्यान कहाँ है ध्यान। एक हफ्ते से सीसीटीवी कैमरा खराब है बैंक को बता रहा के, यो थारी मैनेजरी है वहाँ। मैडम मैं हूँ मैनेजर, जॉली है मेरा नेचर। बीबी ने कहा है कि आलू लेकर आना। हाँ क्यों नहीं, तुम आलू ही लेके आना और आलू ही खरीदते रहना, चाहे बैंक लुट जाए चाहे कुछ भी हो जाए। वहां जो है एटीएम लुट गया और इतना जो है हिम्मत वाला हो रहा लुटेरा कि चिट लगा के बिल्कुल गया वहां पे। धमकी, ओपन चैलेंज। वेल मॉम व्हाट इज चिट इज द, हसीनाएं अगर सुपर हैं तो मैं हूँ हिट इज द। भैया इसमें लिखा हुआ है कि अभी तो मैंने एटीएम लूटा है, अब बैंक लूटूंगा। और ये पढ़ लिया कई लोगों ने वहां, अब बात आग की तरह फैल गई, भगदड़ मच गई पूरे शहर में। ओके लैरी सिंह। मैडम हेड ऑफिस से हम सब पुलिस वाले के लिए सैलरी आई हुई है। मैडम ये आपके लिए चिट्ठी है। थैंक यू। तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, तू ही ले ले, तू कर। कैसा फेस है यार, सेवा में चंद्रमुखी चौटाला। क्योंकि बैंक ऑफ अतर्रा जहां पुलिस वालों की सैलरी जमा होती है उसे लूटने की धमकी आई है, इसलिए आसपास के सभी ठाणों की सैलरी कैश में भेजी जा रही है। लेकिन वो 3 दिन बाद बांटी जाए ताकि तब तक ये बैंक का मसला सुलझ सके। ओके भैया वो पठान आने वाला होगा बस। वेल मैडम उन लुटेरों को जल्दी पकड़िए वरना हमारी बैंक की साख बिल्कुल खाक में मिल जाएगी। बीबी ने कहा था आलू लेकर आना। कच्ची हम आ गई। आइए आइए। मैडम पठान आपको सलाम करती। ए, गोपी का होती जो हमारा पैसा लेके गायब होती, हम वसूली होती जो हमारा पैसा नहीं देती, हम उसको काट देती जैसे गाजर और मूली।
भैया तो है नहीं ना पठान साहब। भैया भैया 5-6 दिन के लिए बाहर गए छुट्टियां लेके। हाय हाय, वो आएंगे जैसे ही तो मैं आपको खबर कर दूंगा, मैं आपको बिल्कुल फोन कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? भैया आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आप चलिए। ए वहां कौन है? भैया देख लिया, आ जाओ यहाँ। हेलो हेलो, नहीं तुम इधर आओ। गोपी कहाँ होती, हमारा पैसा कहाँ होती? पठान साहब पैसे तो नहीं है लेकिन वादे के मुताबिक ये है डंडा। अब हम देखो तुम्हारा कैसा हड्डी पसली तोड़ती। खबरदार, तुम्हारे ठाणे में हमारे किसी भी आदमी को हाथ लगाया ना तो यही आधे स्वेटर की तरह उधेड़ के रख दूंगी मैं। अरे मैडम आपकी बात हम मानती लेकिन ये हमारा पैसा खा के बैठी, वो पैसा कैसा मिलेगा मैडम आप बताओ। 3 दिन बाद आना और अपना पैसा ले जाना। 3 दिन, पर उससे पहले किसी ने भी हाथ मत लगाना। तुम दोनों को मैं अभी देखती हूँ। चलिए डिटेल लिखवाइए, कैसा फेस है यार, चलो यार। 3 दिन बाद अगर ये पैसा नहीं देती तो मिल जाएंगे ना पठान साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के वादा करता हूँ, प्लीज अब मेरे भैया पे भरोसा कीजिए, ये बहुत भरोसे के लायक आदमी है, इन्होंने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा है, प्लीज पठान साहब मेरा विश्वास कीजिए, आपको 3 दिन बाद आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे, आप भैया को कुछ मत करना बस। थैंक्स ब्रो। और अगर 3 दिन बाद भी भैया ने आपको पैसे नहीं दिए तो फिर ये लीजिए, 3 दिन बाद जेन्युइन लेदर। 3 दिन बाद जेन्युइन लेदर, समझती तुम? हम आती 3 दिन बाद। ठीक है भैया, मैंने आपको बचा लिया। ये बचाया है। हेलो, बिल्लू बोल रहा हूँ। क्या मेरा फोन 2G से 4G होने वाला है? हैं? अच्छा, दुनिया में मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जिसका फोन 2G से 4G हो जाएगा, सबसे पहले 4G हो जाएगा। अच्छा, मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, क्या बात है। और इसके लिए मुझे कुछ पैसे नहीं देने? अच्छा, और मुझे पूरी जिंदगी 4G का आनंद फ्री में उठाने मिलेगा, क्या बात है। हाँ जी, हाँ 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 जी। नहीं नहीं, वो मुझे करना क्या है इसके लिए, करना क्या है? अच्छा, मैं अपना फोन ऑफ कर दूँ, ठीक है, उसके बाद में वो सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठूँ, हाँ हाँ हाँ, और अपना फोन हवा में हिलाऊँ, हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये कर लूँगा, ये मेरे लिए बहुत ईजी है। मैं अपना फोन अभी स्विच ऑफ कर देता हूँ और सबसे ऊपर के किसी पेड़ के सबसे ऊपर जाके बैठता हूँ और हवा में अपना फोन हिला देता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग मी सर, थैंक यू।